आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिफ्थ यूनिट में, जो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में लास्ट यूनिट है। यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसको कि आप सब लोग अच्छे से पहले से ही पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ एनालिटिकल मेथड मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसको हम किसी सर्किट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और या फिर हम स्पॉन्टेनियस वे में इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को किसी पावर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम जनरेट करवाएं, और उसके मेजर के अकॉर्डिंग हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि तुम पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ चुके हो, जैसा कि तुम कहाँ पढ़ चुके हो इसको, 12th क्लास के अकॉर्डिंग, 12th क्लास में थर्ड चैप्टर तुम्हारे पास था जिसको तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, उसका नाम था इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो वही वाला बेसिक प्रिंसिपल हमको एक बार और यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको होमवर्क के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो तुमने 12th क्लास में पढ़ा है, एक बार उस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम हमारे फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया है, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलरोग्राफी। इन सब के अंदर हम डिटेल में जाएंगे। अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि तीन पार्ट हो गए, एक तो क्या हो गया कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलरोग्राफी। तो आज का सेशन हमारा बेसिक सेशन रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के अकॉर्डिंग क्या क्या है सिर्फ उसी को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स है क्या चीज। ठीक है, तो कॉमनली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर कॉमनली यूज फॉर द एनालिटिकल मेजरमेंट। देयर आर ए वेराइटीज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स विद डिफरेंट डिग्री ऑफ यूटिलिटीज फॉर द क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एनालिसिस। जैसा कि हम एनालिसिस के सब्जेक्ट को हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, तो हमने क्या कहा था कि हम क्वांटिटेटिव जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। हम क्या कह रहे थे, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक हम कह रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे थे कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। जैसे हम कह रहे हैं K2Cr2O7, तो उसके सॉल्यूशन को हम कैसे, उसके ऑरेंज येलो कलर से हम लैब में गए तो उससे हम पहचान लेते हैं। तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग या उसके स्मेल के अकॉर्डिंग। अगर H2S गैस है तो सर उसकी स्मेल के अकॉर्डिंग हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर, इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हमने कैसे पहचाना था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि कितना अमाउंट है, मेजर करके हम वहाँ पे जैसे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, ग्रेविमेट्री के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी, कितनी प्योरिटी है, तो वो हम कर रहे हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब इसी में हमने क्या कर दिया, यही प्रोसेस एनालिसिस के, मगर इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम स्टडी करेंगे। क्लियर, एनालिसिस ही है मगर अब क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को हम यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं। तो किस तरह से फॉलो अप कर रहे हैं, हम आर कंसर्न विद द इंटरप्ले बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री एंड नेमली द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज सच एज द करेंट, पोटेंशियल और द चार्ज एंड देयर रिलेशनशिप टू द केमिकल पैरामीटर सच एज द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इसके अंदर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम अब इस टेक्निक के अकॉर्डिंग कि हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो केमिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब जब भी मैंने पहले बढ़ाया था तुम्हें, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो केमिस्ट्री का बेस क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो होगा तभी केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होगी। और इसी को मैंने तब तुम्हें रेडॉक्स पढ़ाया, तब भी मैंने यही बताया, क्या कहा तुम्हें कि रेडॉक्स के अकॉर्डिंग हम इसको जब पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन को हम और रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन कह रहे हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का बेस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफर होने के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है उसी इलेक्ट्रॉन लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसा कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, करंट पढ़ा है,
तो करंट को हम क्या कहते थे, चार्ज बाई टी। चार्ज बाई टी से अपन क्यू बाई टी से हम करंट को रिप्रेजेंट कर देते। तो वहां हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो चार्ज है, जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जो चार्ज है उस चार्ज को हमने किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सर्किट के अंदर मूव करा दिया। तो वो हमारे पास क्या, किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब हो रही है, जब केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी सर्किट में मूव करा देते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, करंट जनरेट होगी। अब करंट जनरेट हो और जो चार्ज है वो किसी सर्किट में मूव हो, तो उसको भी अगर मूवमेंट कराना है तो उसको किसी फोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो अगर वो फोर्स हमें मेजर कर ले, तब भी हम केमिकल रिएक्शन को पता कर सकते हैं। तो उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, ईएमएफ के अकॉर्डिंग कह देते हैं, या फिर वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम कह देते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग कह देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग चार्ज का फ्लो हो रहा है। और चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो भी किस फॉर्म में फ्लो हो रहा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे पोलरिटी के अकॉर्डिंग भी चार्ज का लूज होता है और वो अपने आप में फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसी न किसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, उसको हम किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अकॉर्डिंग उसको मेजर करना चाह रहे हैं। तो नेमली द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज सच एज द करेंट, पोटेंशियल एंड चार्ज एंड देयर रिलेशनशिप टू द केमिकल पैरामीटर्स सच एज द कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट, पोटेंशियल और चार्ज के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन के डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन को हम वहां पे मेजर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जनरेट होने वाली करंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल को हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी को हम देख के वहां पे होने वाली रिएक्शन की एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस फॉर्म में जा रही है, क्लियर। तो ये सारे मेजरमेंट हम कहाँ देख चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ द एनालिटिकल पर्पस हैज फाउंड द लार्ज रेंज ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल क्वांटिटी क्वालिटी कंट्रोल और बायोमेडिकल एनालिसिस। तो यहाँ हम जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जनरली हम क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है सबका बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज, बिजली कड़क रही है तो उसका कंसेप्ट भी क्या है, चार्ज, ठीक है। कोई अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो भी क्या है, चार्ज के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम अगर किसी क्वालिटी पैरामीटर को देखना चाह रहे हैं तो वो भी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, चार्ज के अकॉर्डिंग। अगर हम हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम को देखें मेडिसिनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम कहें नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, कार्डियक पंपिंग हो रही है, तो वो भी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, चार्ज के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल हर जगह चार्ज है, तो इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और हर जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये प्रोसेस यहाँ पे यहाँ से जनरेट हुआ। तो किस तरीके से हम समझें कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है वो अपने आप में अदर एनालिटिकल मेथड के ऊपर उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो कैसे कैसे एडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस अलाउ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए इलेक्ट एलिमेंट्स इन ए सॉल्यूशन, नॉट जस्ट द टोटल कंसनट्रेशन ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं तो उसका बेस भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। जैसा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तुम पढ़ के आ चुके हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर तुम पढ़ के आ चुके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेस क्या हो गया हमारे पास, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट आ रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पोजिशन उसके अंदर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट हम देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल टेक्टिक्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्सेप्शनली द लो डिटेक्शन लिमिट एंड ए अबाउंडेड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द केमिकल काइनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो देख रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं,
यहाँ ऊपर अपन ने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल उसकी क्या बता रहा है, उसकी काइनेटिक्स को बता रहा है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम यही तो देखना चाह रहे हैं। यहाँ हम ओवरऑल पूरी कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कौन सा चेंज स्पॉन्टेनियसली फास्ट हो रहा है। तो वो मेथड भी हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग करना देख पा रहे हैं, उसकी काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो भी किसके अंदर आ गया अपने पास, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आ गया। उसी के हम कह रहे हैं द अदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स लो कॉस्ट। तो इसकी लो कॉस्ट होने की वजह से ही हम यहाँ पे पीएच मीटर भी डेराइव कर लेते हैं। पीएच मीटर में भी हम क्या देख रहे हैं, एच प्लस आयन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो वो भी हमने क्या कर दिया, एक पीएच मीटर भी अपने आप में कौन से मेथड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रो केमिकल जो मेथड है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो बेसिक फॉर्म में हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखना चाहेंगे। जब भी हम देखेंगे तो एक तो पोटेंशियल, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या वी से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम वोल्टेज के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, या फिर हम करंट को मेजर कर रहे हैं तो उसको एम्पियर के फॉर्म में ए से मेजर कर देंगे, या फिर चार्ज को जिसको हम कूलाम के फॉर्म में सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम इसी को हम किसके फॉर्म में देख रहे हैं, आर के फॉर्म में, जिसको हम ओम या रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंस का अपोजिट हम कर दें यहाँ पे कंडक्टेंस को हम कर दें, रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम किसको स्टडी कर देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम स्टडी करना चाहेंगे। तो ओवरऑल बेसिक यहाँ पे क्या रहा हमारे पास, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ओवरऑल बेसिस हमारे पास क्या रह गया, कि ओवरऑल जो हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट हमें क्या याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, मतलब रेडॉक्स क्या है। थर्ड कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट हम देखना चाहे तो हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। थर्ड कंसेप्ट हम देखें तो हाफ रिएक्शन किस तरह की हो रही है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है या फिर अपने आप में किसी तरीके से हमको बाहर से एनर्जी देके उसको कराना पड़ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो वही कंसेप्ट है जो रेडॉक्स के अंदर हमने देखे, मगर यहाँ हम किसके अकॉर्डिंग आ गए, इंस्ट्रूमेंटेशन के अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो कैसे स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज एन एनालिटिकल टेक्निक्स दैट यूज ए मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल करेंट और चार्ज टू डिटरमाइन एन एनालाइट्स कंसनट्रेशन, टू करेक्टराइज एन एनालाइट्स केमिकल रिएक्टिविटी, एंड कलेक्टिवली वी कॉल दिस एरिया ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री बिकॉज इट्स ऑर्गेनाइज फॉर द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ओवरऑल हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, या तो हम पोटेंशियल डिफरेंट निकाल रहे हैं, या करेंट निकाल रहे हैं, या चार्ज निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म की जा रही है। दूसरा ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लो अप हो रहा है, किसका फ्लो अप हो रहा है, यहाँ पे चार्ज का फ्लो अप हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस टाइप का हो रहा है। तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो अब इस बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे ओवरऑल हम स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, किसी न किसी सेल की हम बात करेंगे। तो जब भी हम सेल की बात करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में जो कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आता है, तो वो क्या आता है कि इस तरह का कोई सेल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है। अब उस इलेक्ट्रोड में भी हम क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमें पता है, दूसरे के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एक को हम कह देते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एक हमारे पास हो गया जिसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हम कह रहे हैं। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगे हुए हैं। ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि एक सेल है जिसके अंदर कोई साल्ट का कोई सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में हम यूज करना चाह रहे हैं। अब कैसे यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ कंसेप्ट समझ के आए हम पहले ही। तो एक कंसेप्ट हमने देखा है गैल्वेनिक सेल वाला। तो गैल्वेनिक सेल वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ के आए, तो यहाँ हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रो
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कोई कंपाउंड अपने पास है, एलिमेंट है, वो स्पॉन्टेनियसली खुद ही अपने आप में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस वे में खुद ही रिएक्शन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करा रहे हैं। तो इस तरह की एक रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, जिसके अंदर रिएजेंट अपने आप रिएक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, जिसको हम किसी सर्किट के अंदर फ्लो अप करा रहे हैं और करंट जनरेट करा रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह के सेल को हम बोल रहे हैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे ये तुम पढ़ के आए हो, गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, एक साल्ट ब्रिज है, दो इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर अपने आप खुद की एनर्जी के अकॉर्डिंग अपने आप में रिएक्शन हो रही है, सेल्फ रिएक्शन हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम इस सेल को के अकॉर्डिंग इन कंपाउंड की रिएजेंट की प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ रिएक्शन हो रही है और सेल्फ रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पढ़ा है सेकेंड फेज में। तो सेकेंड फेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़े हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़े हैं दूसरा सेल। दूसरा सेल हम क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास था यहाँ पे गैल्वेनिक सेल, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम पढ़े हैं उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि अब यहाँ पे रिएक्शन हो नहीं रही है, रिएक्शन करवाई जा रही है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जनरेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रिएक्शन को हम यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, यहाँ पे एक बैटरी का कंसेप्ट हमने पढ़ा और उस बैटरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया या रिएक्शन को हमने जनरेट कराया और कंपाउंड को हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या किसी बैटरी के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है और कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, तो इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम यूज लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस में हम देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल चेंज बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमने अभी कंसेप्ट देखा इसके अंदर इस वाले सेल के अकॉर्डिंग, तो एक कंसेप्ट हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस की जा रही है, बाहर से एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा कंसेप्ट हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय द स्पॉन्टेनियसली बाय द रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसा कि हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ा, तो हम क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो एक कंसेप्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हो रही है, दूसरा हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि हम उस कंपाउंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करा रहे हैं, उनको तोड़ के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस और है हमारे पास हो गया। तो इसी को हम बेसिक कंसेप्ट से देखें जो तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा होगा कि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि जिंक अपने पास है, कॉपर अपने पास आयनिक फेज में सॉल्यूशन में, अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जो अपने पास कॉपर के आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से वो Zn+2 में चेंज होगा और कॉपर अपने पास में इस फॉर्म में आएगा। तो इस तरह की हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आयनिक फेज में परफॉर्म होगी। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे याद रखना है हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन मतलब एक तो हम करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और उसको स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हो रहे हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है एनोड और नीचे लिखा हुआ है कैथोड। तो एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है ये भी हमें याद होना चाहिए। एनोड मतलब जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम कहेंगे एनोड, और जिसके ऊपर हमारे पास रिडक्शन होगा हाफ रिएक्शन उसको बोलेंगे हम कैथोड। तो यहाँ पे अगर हम जिंक कह रहे हैं तो जिंक जिस भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर से Zn+2 में चेंज हो रहा है वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एनोड। और दूसरा जो अपने पास है जिसके अंदर अपने पास क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो अपने पास क्या हो गया, कैथोड हो गया।
तो इस तरीके से हम यहाँ स्पॉन्टेनियस जब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रोलाइसिस जनरेट कराएंगे, तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, और जिसके ऊपर अपने पास रिडक्शन होगा उसको हम कैथोड कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल क्या देखा कि यहाँ पे एक कंसेप्ट जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ओवरऑल हम यहाँ पे सेल को यूज़ कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंसेप्ट और हम पढ़ के आए हैं कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिससे हम उसको कंपैरिजन करके किसी दूसरे के पोटेंशियल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब हम रिएजेंट के अकॉर्डिंग कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम किसी एक स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। द स्टैंडर्ड कंडीशन दैट आर द वन मोल कंसेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन द सॉल्यूशन एंड ए टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड 1 bar प्रेशर। तो ये हमने क्या कर दिया कि हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिससे हम हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो उसको हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दे दिया, और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने बना दिया। क्लियर? और सबने डिसाइड कर लिया कि कितनी कंसेंट्रेशन रखनी है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 kg कितना होता है, तो पूरे वर्ल्ड में हमने 1 kg को एक स्टैंडर्ड बना दिया, 1 meter को एक स्टैंडर्ड बना दिया। तो ये हमने पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन उसके अकॉर्डिंग कर दिया, और उन स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो आज के कंसेप्ट में हमने एक बेसिक फॉर्म में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, मगर यहाँ हम जाने से पहले हमको बेसिक याद होना चाहिए। कंडक्टोमेट्री समझनी है तो बेसिक याद होना चाहिए, पोटेंशियोमेट्री समझना है तो बेसिक याद होना चाहिए, पोलेरोमेट्री है तो बेसिक याद होना चाहिए। तो बेसिक के अकॉर्डिंग हम कहाँ गए, सबसे पहले हमने समझा कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है क्या बला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कैसे होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने समझा कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से उसको समझेंगे। दूसरा, हम इसके अंदर हम समझे कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हम यूज़ में लेते हैं, और ये जनरल एनालिसिस से ये एडवांटेज फॉर्म में क्यों है, क्यों हम जनरल एनालिसिस से इसको एडवांटेज फॉर्म में हम यूज़ में लेना चाह रहे हैं, और क्या क्या पैरामीटर जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को यूटिलाइजेशन में ले सकें। यहाँ हम कहाँ गए, इलेक्ट्रोकेमिकल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसके पैरामीटर का बेस क्या था, रेडॉक्स। तो इसका मतलब हमें रेडॉक्स भी हमको अच्छे से आना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर पोटेंशियल करंट और चार्ज के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक सेल यूज़ करेंगे, तो सेल को भी हमने 2 parts के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर रहे हैं। गैल्वेनोलाइटिक सेल कर रहे हैं तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही है, केमिकल से रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कर रहे हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हम केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, वो भी रिएजेंट टू रिएजेंट वेरी करेगी। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ गैल्वेनिक एक्ट्रियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनोड को समझा, एनोड क्या होता है, यहीं पर हमने समझा कि कैथोड क्या होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने समझा कि एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें जहाँ पे बनाना पड़ेगा, और उसी के कंपेरिजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू।